नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट संबंधित होते हैं आपके जीके और जीएस से, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करेक्शन लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग किस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था और कुल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है दोस्तों। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं दोस्तों, तो चलिए इनको पहले पढ़ लेते हैं। इसके सदस्यों में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री एवं नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्तावना द्वारा 6 अगस्त 1952 को हुई। तीसरा, यह न ही तो संवैधानिक निकाय है और न ही तो सांविधिक निकाय, राज्यों के राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि उपरोक्त में गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं वो सही है। तीनों पॉइंट में हम फिर से देख लेते हैं इसको, कि इसके जो सदस्य होते हैं किसके दोस्तों, विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के, उसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें पहले योजना आयोग के सदस्य शामिल होते थे, चूंकि योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग दोस्तों बन गई है, तो इसलिए अब इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को ही हुई थी। ये भी सही है, यह ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही तो सांविधिक निकाय है, और इसमें राज्यों के राज्यपाल नहीं सम्मिलित होते। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा सी, केवल 4, जो 4 नंबर पॉइंट है केवल वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई एवं कृषि में इसका जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, भारत में नहीं बात हो रही, कृषि में बात हो रही है। तो दोस्तों, इस जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1966-67 यानी 1966-67 में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनके जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ये पुस्तक है दोस्तों, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो यह पुस्तक लिखी गई है रघुराम राजन द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा की समीक्षा हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा की समीक्षा हेतु जो है मीना हेमचंद्रा समिति का गठन किया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो भारत में सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 को हुई, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि जानकारी किसानों तक पहुँचाने हेतु DD किसान चैनल की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, DD किसान चैनल की जो शुरुआत की गई थी वो 26 मई 2015 को की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पूसा जय किसान एवं पूसा गोल किसमें किस फसल से संबंधित हैं। तो पूसा जय किसान और पूसा गोल फसलें दोस्तों सरसों से संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी ये सरसों की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंहभूम प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम जो दोस्तों प्रसिद्ध है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर खाने तांबे की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सार्थक क्लासेस पर पढ़ाया भी था कि सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है UPSC की तैयारी के दौरान, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में आलू की पैदावार सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने आपको UPSC के दौरान स्टडी कराई हुई थी इसके, कि उत्तर प्रदेश है, इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, छिंदवाड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। तो छिंदवाड़ा में दोस्तों कोयला की खाने हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला आबादी लगभग कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, भारत में जो महिलाओं की आबादी है वो 58.65 करोड़, 58.65 करोड़, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जनगणना 2011 के निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं इनको। पहला है, इसका आदर्श वाक्य है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। दूसरा, भारत में आबादी घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 राज्य
बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। और लास्ट पॉइंट है स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर वाला जो राज्य है वो है मेघालय। ये चार तथ्य हैं, प्रश्न है हमारा कि उपरोक्त कथनों में सत्य है, तो दोस्तों ये सभी कथन ही सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के वर्ष बैंक दर कितनी थी? तो दोस्तों उस समय जो बैंक दर थी वो 3% थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसका राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए होना आवश्यक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह क्या है जो राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों जो ब्याज दर है वह राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटा कब परिलक्षित हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले जो ये परिलक्षित हुआ था वो 1965 से 70 में हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सदैव ही तो कैसा होता है ये बताना है यहाँ पर, तो ये होता है हमेशा अधिक होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों भारत में जो फसल बीमा योजना है वो 1985 में प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह है हरियाणा, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? क्वेश्चन बहुत दोस्तों ये देखिए आप देख रहे होंगे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1948 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने उद्योगों हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो वर्तमान में दोस्तों 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत का कपड़ा निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कपड़ा निर्यात में विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो राष्ट्रीय संयुक्त मानव विकास सूचकांक विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है महबूल उल हक को। देखिए दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आता है तो महबूल उल हक के साथ में अमर्त्य सेन का भी नाम आता है, क्योंकि महबूल उल हक जो है पाकिस्तान के थे दोस्तों, और इनके जो सहयोगी थे वो अमर्त्य सेन थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी दोस्तों, मौतों की जनगणना करवाने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? यानी ये बताना है यहाँ पर कि वह कौन सा राज्य है जिन्होंने जनगणना की ही तरह मौतों की भी जनगणना कराया है कराते हैं, तो वह राज्य है जो कर्नाटक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विपणन वर्ष 2019-20 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये निर्धारित किया है 18 रुपये 40 पैसे पर किलो, यानी 1840 रुपये प्रति कुंतल, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1988 में, यानी 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति किस समिति द्वारा की गई? तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति जो है राज समिति द्वारा की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एंड एट द लास्ट दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि 30 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, तो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है? देखिए दोस्तों अभी इसके बाद हमारा आज के क्विज का भी क्वेश्चन है, तो ये लास्ट तो है लेकिन क्विज का क्वेश्चन और पिछले जो आंसर है वो अभी बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो होगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस संख्या जो 10 है उसका क्या हल था, तो उस वो प्रश्न था दोस्तों कि काली चंपा किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों उसमें राइट आंसर डी था, अंगूर, काली चंपा जो है अंगूर की एक किस्म है। अब दोस्तों आज का प्रश्न,
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। सिंपल सा दोस्तों है कि आपको केवल ऑप्शन टाइप करना है ए बी सी या डी। तो प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया निम्नलिखित में से किस ग्रह पर है? ऑप्शन जो है दोस्तों, बृहस्पति ए ऑप्शन होगा, अगर बी ऑप्शन सही है तो शुक्र, और सी यदि सही है तो मंगल, और डी सही है तो शनि। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको, जो भी आपको उचित लगता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर मैं जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड एट द लास्ट में दोस्तों, आप लोगों के लिए आंसर कीज मैंने यहाँ पर दे दी हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग जीके और जीएस की प्रैक्टिस करते हैं ओनली प्रैक्टिस सेट पर, और हमारा भी जो फोकस है दोस्तों वो जो यूपीपीसीएस लोअर है, जीडीसी का एग्ज़ाम होना है और सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उस पर है, और ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, इसमें क्योंकि मैं जीके के भी पोर्शन लेके आता हूँ तो उनके भी प्रैक्टिस सेट मैं यहीं पर अपलोड करूँगा, उन लोगों के लिए भी लगभग उपयोगी है। क्योंकि देखिए यूपीएससी में जीके पोर्शन आता है जबकि अदर एग्ज़ाम में जो है जीएस आता है। जीके और जीएस में जैसे आप लोग मेन डिफरेंस जानते हैं कि जीके थोड़ा छोटा सिलेबस होता है, जीएस में इंटायर सिलेबस कवर होने लगता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं उनकी जो है आधारभूत जानकारी होने के लिए। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी ओनली प्रैक्टिस सेट और सार्थक क्लासेस को, तो आप यहाँ इसको कर सकते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एंड एट द लास्ट दोस्तों, देखिए मैं प्रयास करता हूँ कि मुझसे गलती ना होने पाए, फिर भी मानो भूल है दोस्तों, गलती हो सकती है और उस गलती को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। यदि ऐसी कोई गलती मुझे नज़र आती है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में करेक्शन करके पिन कर देता हूँ जो कि आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों जब भी आप वीडियो देखें सार्थक क्लासेज या ओनली प्रैक्टिस सेट में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है कमेंट बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लिया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।